बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और भाई क्या हो रहा है आजकल? अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैगन आलू, जो कि होते हैं ना थाली के बैगन, आज हम वही बना रहे हैं थाली के बैगन। तो बैगनों को काटने का ये तरीका होता है कि आप उसको पानी में डिप करके रख लेते हैं, वरना ये काले हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और मैं कुछ कुछ छिलके जो है ना जान जैसे मुझे लगता है ना कि अच्छे नहीं हो रहे तो वो उतार देती हूँ, बाकी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पर पहले इसको पिलो कर दूँगी, आलू के साथ साथ छील देंगे और उसके बाद इसको पकाने रख देंगे। अच्छा यहाँ ना ऐसा मेरी वीडियो बना रहा है, हम उसका आज जगह तुमने आवाज़ निकाली ना बेटा, तुम्हें बताती हूँ मैं, बहुत प्यारा बेटा है माशाल्लाह से। तो घर मैंने इससे पूछा था ना, बैगन आलू खाओगे सर? बैगन आलू खाओगे ना? हाँ सही बात है, ठीक है। माशाल्लाह से हसन को खा लेता है, वो सब शौक से खा लेते हैं बैगन आलू, और कुछ लोग रोटी से खाते हैं, कुछ लोग चावलों से खाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किससे खाते हैं? हेलो, आप लोग किससे खाते हैं बैगन आलू? क्या बैगन आलू जी? रोटी से हम खाते हैं। रोटी से? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, कोई कुछ लोग हाँ बघारे हुए चावल जो होते हैं ना उससे भी खाते हैं। मम्मा एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया। अच्छा एक मिनट हो गया तो बस हमारा टाइम पूरा हो गया, जाओ खाना वगैरह खा लिया। हमने बनाए थे बैगन आलू और यहाँ जो है बच्चे दोनों तैयार हुए हैं। तो भाई हम लोग जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं? ये पूछता रहता है मुझसे कि आपके सर्किल होता है? नहीं भाई, ये सिर्फ आपको मिला हुआ है डिम्पल अपने बाबा से और पापा के और अंबर के पड़ता ही है, और हमारे नहीं बनता है डिम्पल, हमारे नहीं बनता। आज हम जा रहे हैं नानो घर। जी हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं नानो के घर पर। देखो उसे कैसे देख रहा है, बिल्ली की तरह। तो बस चलते हैं हम लोग नानो के घर, इनके मतलब मम्मी के घर। और आज मम्मी वालों का रोज़ा भी है, मैंने खैर रखा नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा रोज़ा भी नहीं है, वरना मैंने पिछली दफ़ा रखा था। अभी मैंने आज जो है ना रोज़ा ही रखा, अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में रखूँगी। फिलहाल जो है ना चलते हैं नानो घर, बस ये काम है इन बच्चों के, पोटी कर ली जाते जाते। चलो भाई पहले वॉश करवाती हूँ। करते हो तुम लोग ऐसी हरकतें उल्टी सीधी? चलो ऐसा चलो चले, हाँ शूज पहन रही हूँ। सलाम, खुश रहे, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो सुना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। खुशबू पता है बाहर तक आ रही थी इफ्तारी की, पकोड़ों की। देखो उसका रोजा खुल गया, और रोजा भी खुल गया मेरे गुड्डे का, और देखो दस्तखान लगा हुआ है। और यहाँ क्या बन रहा है? पकोड़े, चिप्स, चिप्स बन रहे हैं, चिप्स। ये क्या है? दही बड़े। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसा गुजरा रोजा? हाँ अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ में याद रखना हमें, हम सबको करवाऊंगा। हम बहुत छोले भी बने हुए, छोले भटूरे अच्छी से बनाई हुई है। और पप्पो आप कैसी हैं? आप भी बताइए कैसी हैं? मजे आ रहे हैं? पप्पो का भी रोजा है? वाह सब रोजदार है, यहाँ हम बगैर रोजदार है। मेरा भी रोजा है। हाँ हसन का भी रोजा है भाई, हसन का रोजा है, रोजा अफ्तार करवाएंगे। हाँ चिप्स, सिलेंटी पापड़, खजूरे, छोले की चाट, किन्नू पकोड़े, पप्पो ने बनाई पकोड़े। ओहो हरी मिर्च पकोड़े, वाह भाई वाह। पप्पो इसको कट लगा के दोबारा सेक लिया करो और अच्छी हो जाती है। और ये है दही बड़े, हाँ और ये बेर, केचप, शरबत, वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक कितनी नेमतें अता कर देता है, हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारी नेमतें अता कर देता है अल्लाह पाक। मोमिन गुड्डे बैठे हैं दोनों, मोमिन उठो, ये ठट्टा गया था, थक के बैठा है, सो रहा है। आप अभी आ गए, आ जाओ, सबके रोज हैं हमारे यहाँ। क्या चीज? छोटे छोटे।
तो जी यहाँ सब बैठ के माशाल्लाह से एक साथ रोज़ा खोल रहे थे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। अभी बैठ गए थे, अभी तो कल रोज़ा नहीं इफ्तार किया हम लोगों ने। अच्छा यहाँ जो है ना, आप लोग पूछ रहे होंगे कि किस टाइम का रोज़ा है। ये जो है मम्मी और घर वाले जो है ना, शादी से पहले मैं भी रखा करती थी, यानी हम लोग पहले से रोज़ा रखने शुरू हो जाते हैं। और जब जिस दिन का जैसे लगता है ना कि आज सही है मौसम वगैरह, तो आज रोज़ा रख लेते हैं। तो एक की एक को देख के दूसरे की हिम्मत होती है, तो इसी तरीके से सबका रोज़ा जो है एक साथ इन लोगों ने रख लिया। सफान हटाने तक क्या इनकी आइसक्रीमें आ गई दोनों की, है ना? आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, यम बैठ के खाओ, यहीं पे बैठ के खाओ। चलो चलो दस्तखन बढ़ाए, टाइम जा रहा है। चलो पीछे किसको कालो कालो दो मेरे यम्मी। अच्छा जी, तो खाना मम्मी ने जल्दी ही दम लगा लिया था, चावल बनाए थे मम्मी ने, छोले के चावल जो होते हैं ना वो बनाए थे सबकी फरमाइश पे। लुबना पुप्पो को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से जो है ना मम्मी ने छोले के चावल उनके लिए फरमाइश पे बनाए थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो इसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन से खाना खा लिया था, क्योंकि जी भूख वगैरह इन लोगों को लग रही थी, इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसीलिए जो है ना इफ्तार में भी इतना कुछ नहीं खाया था। और बस यहाँ जो है ना अब सब बैठ के खाना खा रहे थे, सब ने एक साथ दस्तरखान पर खाना खाया। देखो हमारी शादी की वीडियो चल रही है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। मम्मी आ गई मेरी, कितनी यंग लग रही है मम्मी। सब लोग आए हुए हैं, इसबा थी, ये मेरी बारात। किस तरह धमाकों से आई है, धम 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 धम। और ये एंट्री, बड़ी मम्मी आ रही है। मम्मी मेलने में तो रहती थी बराबर में। कितने सारे लोग हैं उनकी, क्या कहते हैं बड़े मामू की बेटी अमरीन बाजी, सफिया ताइमी, दुल्हा की कार आ गई। देखो जरा, देखो 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 देखो, पता ही नहीं चल रहा इनको लिफाफा कौन सा देना है। ये इनका दोस्त एक, ये सुबह ही सुबह पता है वो लेकर आ गया था हमारा नाश्ता। हाँ ये इतने लोगों से पहले आ गया था नाश्ता लेकर, आजिम मामू जी वो ले रहे हैं बाड़ू गई कार रुकाई। इनके दोस्त सारे चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मामू रईस मामू खड़े हैं आगे। हाँ देखो जरा अलग ही चमक रहा है। सेहरा वान के आ गए आपके बाबा। ये बाबा इनका दोस्त है, ये जुहेब। क्या खाना 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 खाना, पहले तो खाने की वीडियो भी इतने तफसील से तैमूल से बनी हुई है। यहाँ हमारा आदर डांस कर रहा है, ये देखो डांस कर रहा है। मम्मा की शादी की वीडियो पे डांस कर रहे हैं बच्चे, हद हो गई।
और यहाँ सबके साथ हम लोगों ने वीडियो देखी अपनी शादी की, और उसके बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हसन यहाँ पर पप्पू के साथ बैट बॉल खेल रहा है, उसका फेवरेट काम है किसी न किसी के साथ बैट बॉल खेलता रहूँ या फिर फुटबॉल खेल लूँ या कुछ भी, इस तरीके से गेम्स जो है ना उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर सबके साथ बहुत मज़ा आया। तो जी अब मैं जा रही हूँ अपने घर पर, और यहाँ हसन को देखिए, इसकी मस्तियाँ जो है ना 24 घंटे बस ऐसी फुल ऑन रहती हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे जो है ना वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बाहर देखिए, बाहर जो है ना इतना ज़्यादा रात हो रही थी तो इसीलिए लाइट की वजह से अंधेरा हो गया था और तमाम दुकानें जो हैं वो बंद होने लगी थी। अच्छा यही होता है कि एक को देख के एक की हिम्मत हो जाती है, रोज़े भी रख लेते हैं और बाकी काम भी कर लेते हैं। तो यही होता है कि एक दूसरे की हिम्मत बननी चाहिए, ना कि एक दूसरे की हिम्मत तोड़नी चाहिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि आपको कोई भी मसला हो तो दूसरा कहे नहीं नहीं यार मसला नहीं है, कर तो इंशाल्लाह मैं साथ खड़ा हूँ, अल्लाह पाक साथ है, कोई मसला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है जब हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अगर अल्लाह पे भरोसा है ना हमें तो हमारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो बस खुद पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह ताला आपके तमाम काम बन जाएंगे। मैं घर आई तो इसके बाद देखा कि हमारा ये शीशा जो है ना ये टूट चुका है, और मसला ये हुआ कि ये देखें ये ना टूटा ना तो किस तरीके से बिखर गया सारा, कांच कांच हो गया, पहले ही इसके अंदर एक क्रैक आ गया था, अब तो पूरा टूट गया। तो इन्होंने बच्चों की वजह से हटाया और एक कपड़े के अंदर बांध के इसको फेंक रहे हैं, क्योंकि कचरे में जो है ना वो जानवर वगैरह जो होते हैं ना जैसे कि कुत्ते बिल्ली वगैरह ये जाते हैं, तो कहीं वो उनको नुकसान ना हो इसीलिए कपड़े में बांध के ही कांच को फेंकना चाहिए। आप लोग भी अगर कुछ भी टूटे कांच का तो आप उसे प्लीज़ किसी चीज़ में बांध के फिर फेंका करें, ऐसे ना फेंका करें, क्योंकि उन मासूम जानवरों का क्या कसूर है, उन बेज़बान जानवरों का क्या कसूर है। तो इसीलिए जो है ना आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, तो वो भी बददुआ ना दें आपको और उनके भी कुछ लगे नहीं, वो तो बोल भी नहीं सकते बेचारे अगर उनके लग जाएगी तो। तो खैर इसका ख्याल रखें और बताइएगा कि आज का यही मेरा व्लॉग है। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। और बस ये आज थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए मैसेज है, सही से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।